बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सभापति महोदय, इस महंगाई से आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है और इस सरकार भ्रष्टाचार के लिप्त में होकर सत्ता का मजा ले रही है। अध्यक्ष महोदय, जब ये यूपीए 2 गवर्नमेंट जब आई, उसी टाइम सेंट्रल हॉल में पहली बार हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने यही कहा था कि ये सरकार 100 दिन में महंगाई पे काबू कर लेगी, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 700 से अधिक दिन हुआ, फिर भी देश के महंगाई पर कोई सरकार ने काबू नहीं किया, कोई कंट्रोल नहीं किया और दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और गरीब भी बढ़ते जा रहे हैं। सभापति महोदय, आज हर चीज के दाम बढ़ते जा गए और गरीब आदमी जीवन में प्रतिदिन जो प्रयोग की चीज लेना चाहता है वो चीज आज दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, जैसे कि रसोई गैस है, केरोसिन है, तेल है, दाल है, चावल है, आटा है और हरी सब्जी, सबकी सब चीज की आज दाम बढ़ती जा रही है। आज जब मैं कहूं तो दाल का 70 से 80 रुपया एक किलो का दाल का भाव है, चक्कर का 40 से 45 रुपया का भाव है, रसोई गैस का 400 से अधिक भाव है और आटे का 20 से 25 रुपया है, दूध का 30 से 35 रुपये का भाव है, लेकिन आज कोई महंगाई में कोई गरीब आदमी अच्छी तरह की सब्जी और अच्छी तरह की दाल खा नहीं सकता। और केंद्र में बैठी सरकार यूपीए सरकार की सारी नीतियां फेल हो चुकी है और इस महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं कर रही है और तरह तरह की पैंतराबाजी ये सरकार कर रही है और जनता के साथ ग्रोथ रेट बताकर जनता के साथ राजनीति कर रही है, राजनीति। और मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार में 5.8% ग्रोथ रेट था और आज 8.1 ग्रोथ रेट है, उससे जनता को क्या फायदा, गरीब लोगों को क्या फायदा? गरीब जनता चाहती है उसके पेट के लिए दो वक्त की रोटी, उसको ग्रोथ रेट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सभापति महोदय, मेरा इस जनता के साथ और जनता के अनुसार और जनता के आम आदमी के साथ जो इस सरकार ने जो खिलवाड़ कर रही है उसको मैं आपसे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज ये जनता भूखमरी के लगभग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सभापति महोदय, अभी तक हाउस में महंगाई के पर बारहवीं बार ये चर्चा हो रही है, लेकिन जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिला, गरीब को इसका कोई फायदा नहीं मिला। और इस चर्चा से जनता को फायदा तो नहीं मिला, लेकिन सरकार महंगाई के ऊपर कोई ठोस कदम भी नहीं उठा पाई, कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है और सरकार इस महंगाई को रोकने में पूरी तरह फेल हो गई है। महोदय, आज मैं यहाँ केंद्र सरकार के आग्रह करना चाहूंगा कि उत्पादन के इस संबंधित वस्तुओं का कीमतों में सब्सिडी दे और कृषि को बढ़ावा दे। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि में जो उत्पादन होता है उसमें बढ़ावा देना चाहिए, उसमें सब्सिडी देनी चाहिए। जब कृषि में कृषि उत्पादन का बढ़ावा होगा तब इस देश में कुछ महंगाई कम होगी, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो महोदया ये गरीबी आपो आप बढ़ेगी। हम मुद्रा स्थिति में जाते हैं, मुद्रा स्थिति के दर को हम कम करने के लिए महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। व्यवस्था का प्रश्न ये है, माननीय सदस्य,
आसन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं महोदया महोदया महोदय। आप महोदय हैं, महोदया तो नहीं है, और आप भी सुनते रहते सभापति। आप महोदय हैं, महोदया तो नहीं, और आप भी सुनते रहते सभापति। आपको भी अच्छा लगता है, भूल सुधार कर दीजिए। सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि मुद्रा स्थिति के बारे में, मुद्रा स्थिति के दर में जो मुद्रा स्थिति को कम किया जाए तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और भ्रष्टाचार पर भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन इस महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए इस देश का जो काला धन जो बाहर है उसको जो भी लाया जाए इस देश में तो भी इस महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। अभी कल ही हमारे माननीय मंत्री जी सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था कि गुजरात में गरीब की संख्या बढ़ी है। अरे गुजरात में गरीब की संख्या बढ़ी नहीं है, गुजरात में तो नरेंद्र मोदी का शासन है, वहां गरीबी कभी बढ़ी नहीं सकती। गुजरात में तो आज रोजगारी बढ़ी है, हर आदमी को काम मिल रहा है, गुजरात में शांति है, सलामती है, सुरक्षा है। आज पूरे देश में गुजरात का नाम एक शान से लिया जाता है और गुजरात में गरीबी नहीं बढ़ी है। तो आज पूरे देश में गरीबी बढ़ी है लेकिन गुजरात में नहीं बढ़ी है। और गुजरात के हर आदमी को काम मिल रहा है। और मंत्री जी का ये जो बयान दिया वो गलत बयान दिया। अब संक्षिप्त कीजिए, आपका समय पूरा। और महोदय मैं आपसे ये कहना महोदय बोलिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यूपीए सरकार को उपाय ध्यान में देकर जनता को गुमराह करती है और ये महंगाई को कम करने के बजाय जनता के साथ दूसरे देशों को जनता को दूसरे देशों की महंगाई दिखा रही है। और एक मिनट रुक जाइए, आपको माध्यम से यूपीए सरकार एक मिनट रुक जाइए कि जनता के साथ राजनीति करने के बजाय भोला सिंह जी ने कहा कि माननीय सदस्य से बार बार महोदया कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस आसन में माननीय सदस्य जी को मीरा जी की झलक आती है, इसलिए महोदय। सभापति महोदय, मैं महोदय बोलिए। सभापति मैं ये कहना चाहता हूँ, सभापति मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से यूपीए सरकार जनता को गुमराह करती है और जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं यूपीए सरकार को बार बार ये चेतावनी देता हूँ कि अभी यूपीए टू गवर्नमेंट को 2 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन जिस दिन इस देश की जनता जाग जाएगी तो इस यूपीए टू गवर्नमेंट को 2 घंटे की भी मुदत नहीं देगी, उसको डिजोल्व करना पड़ेगा। इसलिए इस देश की महंगाई को रोक ले, इस देश के गरीबों के सामने देखे और इस देश की गरीबी की जनता का साथ न्याय और नीति से चले। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ। खूब खूब धन्यवाद।